वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके दिल खुश हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर हर कोई पर्टिकुलरली वुमेन की मैं बात करूँ या गर्ल की मैं बात करूँ तो वो फेशियल हेयर बॉडी हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि बहुत किन्हीं क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है फेशियल हेयर हटाना, बॉडी हेयर्स हटाना, सेव करना या वैक्सिंग करना, लेकिन ये सब सारी चीज़ें आपको मंथली बेसिस पे करनी होती है और इसमें टाइम भी लगती है ऑब्वियसली और मेहनत भी लगेगी थोड़ी सी। तो इस मेहनत से आप पीछे हट सकते हो और आपको एकदम स्मूथ आप बोल सकते हो स्किन मिल सकती है, स्मूथ बॉडी, स्मूथ फेस मिल सकती है इस प्रोडक्ट लगाने से, क्योंकि ये हेयर को स्टॉप कर देती है, मींस ग्रो करना बंद कर देती है। जैसे कि आप एक लेजर ट्रीटमेंट कराते हो तो उसमें हेयर बंद हो जाती है, सेम वैसे ही आपको ये करती है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी सी आपको अफोर्डेबल प्राइस में चली जाती है। लेजर ट्रीटमेंट सब कोई नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली यूज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट नहीं करते हैं। लेकिन आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर ले इस टाइप की कंटेंट के लिए, एंड बेल को प्रेस कर लीजिएगा नई वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट है वो है परमानेंट हेयर रिमूवल ऑयल, या बोल सकते हो स्टॉप हेयर परमानेंट हेयर रिमूवर ऑयल है। ठीक है, मैंस आपके हेयर को रिमूव करती है बहुत अच्छे से, आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, इसकी भी प्रोसेस है वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी मैं। प्राइसिंग की बात करूं एंड क्वांटिटी की बात करूं तो 30 ml ऑफ पैकेजिंग मिलती है। यस फ्रेंड्स, 30 ml ऑफ द पैकेजिंग मिलती है। एंड आपको प्राइसिंग की बात करूं तो अबाउट आपको 300 rupees लग जाती है, मीन्स अराउंड आपको 300 ही लगती है, उससे ना ज्यादा लगती है ना कम लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं जाती है। तो एज ग्रुप की बात करूं कि आपको किन एज ग्रुप वाले से यूज करनी चाहिए, तो ऑलवेज फ्रेंड्स 18 के प्लस वाले ही ये सब चीजें यूज करें, और 18 के बिलो कभी भी हेयर रिमूव ना करें। उस टाइम हार्मोनल इश्यूज रहती है, तो हो सकती है आप कभी भी हेयर रिमूव करो तो आपको पीरियड्स के चलते, या आप मेन हो तो हार्मोनल इश्यूज के चलते हेयर ज्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, इस चीज इसको आप ध्यान में रखें, इस टाइम आप ना करें तो बेटर होगी, 18 के प्लस होने के बाद ही आप करें। जब भी आप इसे यूज करोगे तो एक अच्छे से वे में यूज करोगे, मैं आके आपको वीडियो में बताऊंगी। एंड स्किन टाइप की मैं बात करूं तो ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन डू अ पैस्टेस, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बिना पैस्टेस किए नहीं यूज करनी चाहिए। हमेशा हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप में सूटेबल नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पैस्टेस जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है आपको इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाती है, मीन्स आपकी कहाँ कहाँ की हेयर्स को हटाती है। तो आपकी फेस की हेयर को हटाएगी फ्रेंड्स, हैंड हो गई, लेग हो गई, आपकी बिकनी लाइन के अराउंड हटाती है, चेस्ट के अराउंड हटाती है, मीन्स अगर आप मेन हो चेस्ट में बहुत ज्यादा हेयर है तो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको इसे यूज कैसे करनी है, मीन्स आपको कैसे इसे इस्तेमाल करनी है जिससे आपके हेयर रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कभी भी ये यूज करनी है तो आपको हेयर को पहले रिमूव कर लेनी है। यस फ्रेंड्स, सेविंग से आप रिमूव कर सकते हो, या आप वैक्सिंग कर सकते हो, या आप ट्रिमर से भी कर सकते हो, लेकिन आपको हेयर को हटा लेनी है। हटाने के बाद आपको इसे 2 times इन अ डे लगानी है। जिस दिन आप हेयर हटाओगे उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद पैड ड्राई आप बॉडी को कर ले, फिर अच्छी क्वांटिटी में ले इसकी ऑयल को, ड्रॉप को, फिर अच्छे से मसाज करते हुए आप 2 times डे लगाएं। लेकिन हाँ, इस चीज को जब आप करोगे तो आपकी ऑयल पूरी रात भर रहनी चाहिए, या आप बोल सकते हो कि 6 घंटे तक तो ऑब्वियसली रहनी ही चाहिए। तो कभी भी आप इस चीज को करें तो उसके बाद नहाने ना जाए। ठीक है, नहा आप पहले ही लें, उसी टाइम आप सारी चीजें कर ले, फिर देन इस ऑयल को 2 times लगा ले, मीन्स 2 times आप लगा ले एक दिन में, फिर नेक्स्ट डे आपको फिर सेम वही करनी है, फिर लगानी है नहाने के बाद ही। तो आपको 1 week जैसे जैसे आप लगाते जाओगे आपको अपने रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कि जो हेयर ग्रो हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको डेली लगानी है इसे। आप 1 week तक लगाओगे तो ऐसी नहीं है कि 1 week के बाद हेयर नहीं आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस चीज को आपको
ठीक करने के लिए ज्यादा समय लगती है। कोई भी आप लेजर ट्रीटमेंट भी कराते हो तो एक समय के लिए हटती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हटती है, कुछ ना कुछ हेयर्स आ ही जाती है बहुत, तो उस फिर से वो लेजर ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। तो ये भी एक प्रोसेस है, आपको हमेशा इसे यूज करनी है। इंग्रेडिएंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो 100% आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलती है इसमें। सिट्रस एक्सट्रैक्ट के साथ साथ आपको कई इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल जाती है। रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो बहुत हद तक आपको रिजल्ट्स मिलेगी। अगर आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हेयर निकलती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर है, तो ज्यादा टाइम लेगी फ्रेंड्स ये ठीक होने में। अगर आपकी सॉफ्ट हेयर है, बहुत छोटी छोटी हेयर ही आपकी निकल रही है, तो उस हेयर को आपको स्टॉप करने में बहुत ज्यादा जल्दी से मदद करती है फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो को चलिए आज के यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।